हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये है ब्लॉग स्पेशली खेत की सैर का, जो हम सब लोग करने गए थे। तो देखिए और बताइए कैसा लगा। अब हम जाएंगे ट्रैक्टर में। अंकित यहाँ जा, प्रतीक वहां से नहीं चढ़ पाओगे, यहाँ चढ़ने जा रहा था, पीछे से चढ़ जाओ, यहीं पे खड़ा रहता है। अभी मौसम अच्छा है, अपने लोग मास्क निकाल लेते हैं अब, और अब उसको बांध लेंगे सर पे। भाई बाजू में देखो आप, काटा है देखते हैं। गोभी देखिए, गोभी उग रही है यहाँ पे। प्रतीक भाई का मुंह उग रहा है। प्रतीक भाई का मुंह उग रहा है। भाई मारू धक्का, बोलो। ये हमारा पुराना बोरिंग हाथ चले हमेशा। डबरा डबरा ये पीछे सामने ही चलना है, बोरिंग के सामने है। हाँ, ये है और ये मजार है और डबरा ये पीछे है, सामने है। ये अपना खेत है पूरा, ये पूरा जहाँ तक नजर जाएगी तुम लोगों के पूरा वहाँ तक। तो बेसिकली ये पूरा खेत है, ये बोरिंग थी अभी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पहले ट्यूबवेल था। यहाँ पे अब्बा हम जो छोटे में जब आया करते थे, नाना हमारे अब्बा, यहाँ पे सब कुछ मतलब पूरा था, आराम करना, ट्यूबवेल में नहाना, घूमना फिरना, ये पूरा खेत। तो मैं बहुत टाइम के बाद आया हूँ, इवन पिछले बार भी शादी में नहीं आ पाया था, सालों हो गए यहाँ पे आए हुए। तो ये है, फिलहाल अभी हम यहाँ नहीं जा पा रहे क्योंकि पूरा सरसों लगा है, तो हम आगे जाएंगे वहाँ हम रुकेंगे। वो एक फिल्म डाला ना, यहाँ से जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है, जो जमीन तुम्हें दिख रही है वो हमारी है, वो हमारी है। कहा है गन्ना, ये लागे हो तैयार हो गए गन्ने, अभी छोटी छोटी है। ये देखिए गन्ने यहाँ पे रेडी हैं, लगे हुए हैं। ये गन्ना है, सालू ले गन्ने, गन्ने ले सालू, और दो चार भैया और तोड़ दो। ये तो अभी तक परार से पका भी नहीं है, मैं तो पका ही नहीं सकता। पक गए, अब खा लो कच्चे पक्के। ये कुछ बोले अब। गन्ना खाओ, फ्रेश गन्ना, खेत से ही निकला हुआ। ये गन्ना ताजा, अंकित ले लो। हाँ ले लो ना, एक लिए पांच बजे आती है।
रुक रहा है चलो बैठो नहीं 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 पे नहीं चलो सर्दी हो जाएगी सर्दी हो जाएगी पहले बोला ना मैं छप छप करूंगा आपको तो पता है ऐसा बोला मैंने कि हम आदमी नहीं है हाय रे बेचारा अंकित के टाइम पे बोर बंद हो गया लाइट चली गई वाह यार मजा आ गया इतने सालों के बाद खेत की सैर की और यहाँ का फील यहाँ का माहौल यहाँ का यू नो यहाँ की वाइब्स एक अलग ही है आई थिंक हम शहरों में हम सब ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और हम मतलब हम क्या ये क्या ही बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा बट फील अलग है कभी कभी लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के ना यहीं पर आके बस जाऊँ लेकिन नहीं मजबूरी है पेट भी पालना है परिवार भी चलाना है तो अपना ही घर छोड़ के हम सब दूर पड़े होते हैं अलग अलग शहरों में अलग अलग देशों में लेकिन मैं सबसे बस यही बोलना चाहूँगा कि लाइफ में हर चीज़ करें आगे बढ़ें पैसा कमाएं अपने करियर के बारे में सोचें लेकिन जब भी आपको वक्त मिले अपने गांव अपने देश ज़रूर जाएं और हमेशा अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहें क्या कितने भी बड़े इंसान हो जाएं उसका एक मज़ा ही अलग है ना मज़ा ही अलग है वो अरे कोई बात नहीं इसको करने के लिए चाहिए अपने को 5-6 बार हाँ। अरे कैसे उतर रहा हूँ मैं कौन रो रहा है इधर आओ अभी नहीं रोते आ जाओ नहीं देख के तमाला लगा रहा चलिए मजा आया सबको चलिए चलो चलते हैं अभी घर जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक खुश रहिए प्यार बांटिए अपना ख्याल रखिए जो मर्जी आप करिए सही चीज़ गलत चीज़ नहीं पेरेंट्स को वक्त दीजिए अल्लाह हाफिज़